आसमान में पंछियों को उड़ते हुए, घंटों गार्डन में बैठकर देखते हुए, उनकी ही तरह उड़ने की चाहत लिए महाकाल की नगरी उज्जैन में बचपन में बड़े बड़े सपने संजो रही थी पिरामिड मास्टर नलिनी कमल जी। 5 भाई बहनों में चौथे नंबर पर और सबकी लाडली रही, लेकिन अपने चुलबुले स्वभाव की वजह से उन्हें अक्सर डांट भी पड़ जाती थी। बचपन से ही गाने और नाचने का शौक इन्हें बहुत था। जहां एक ओर माँ के साथ दोस्ताना रिश्ता था, तो दूसरी ओर पिता का रौबदार व्यक्तित्व देखकर उनसे थोड़ा खौफजदा रहती थी। वहीं पापा जी थे कि हर सुबह नलिनी जी को आवाज देते और उन्हें भजन सुनाने और गिटार बजाने को कहते। इनके पापा जी किताबें पढ़ने पर भी बहुत जोर देते थे, जिससे बच्चे दुनिया के बारे में जान सकें और ज्ञान अर्जित कर सकें। शादी के बाद नलिनी जी दिल्ली आ गईं और यहाँ अपने पति की मदद से वो थिएटर से जुड़ गईं। थिएटर से जुड़ते ही उन्हें अपने आप को व्यक्त करने का एक माध्यम मिल गया, जिसकी उनके जीवन में सख्त कमी थी। समय के साथ साथ वो धीरे धीरे एक मंझी हुई कलाकार के रूप में उभर कर सामने आई। थिएटर के साथ ही नलिनी जी मीडिया से भी जुड़ गईं और एक बार सीरियल में उन्हें पीड़िता का किरदार निभाने का मौका मिला, जिसके लिए वो आगरा जेल गईं, जहां वो महिला कैदियों से मिली, उनके बारे में जाना। यहां से उनके करुणामय हृदय को एक नया लक्ष्य मिला, महिला सशक्तिकरण के लिए काम करने का। धीरे धीरे पूजा पाठ से उनका मन हटता गया और वो पूजा ना करने के बहाने ढूंढती थी। वो अपने घर के पास ही अपर्णा आश्रम में योगा करने जाती थी, जहां इन्हें एक महिला मिली जिसने इन्हें खुद को शांत करने के लिए विपश्यना ध्यान का सुझाव दिया और बस ये विपश्यना ध्यान केंद्र पहुंच गई। यहां से इनके जीवन में और स्वभाव में स्थिरता आने लगी, जिस कारण घर के सदस्य आश्चर्यचकित हो गए। यहां से नलिनी जी की ध्यान यात्रा शुरू हुई, लेकिन वो उसे जारी ना रख पाई और फिर 2010 में अपने बेटे के बार बार कहने पर वो पहली बार पिरामिड वैली गई। वैली पहुंचते ही इन्हें महसूस हुआ कि इनकी खोज खत्म हो गई है। नलिनी जी ने एक लंबी दाढ़ी वाले व्यक्ति को देखा, जो बहुत से लोगों से घिरे हुए थे। उन्हें देखकर इन्हें बार बार गांधी जी के होने का आभास हो रहा था। इसी तरह जब वो पत्री जी के पास पहुंची तो उन्हें एक सुखद अनुभूति हुई। नलिनी जी ने यहां से एक बार फिर अपनी ध्यान की यात्रा शुरू की। पिरामिड वैली में ध्यान करते हुए उन्हें अक्सर अद्भुत अनुभव हुए, जिसमें एक बार उन्होंने स्वयं को पिछले जन्म में इच्छाधारी नाग या नागिन के रूप में देखा। इस तरह के और भी कई अद्भुत अनुभव नलिनी जी को वैली में ध्यान करते समय हुए। नलिनी जी अब जब पूरी तरीके से पिरामिड ध्यान के महत्व को समझ चुकी थी, तो उन्होंने अपने घर की छत पर पिरामिड बनवाने का मन बना लिया, जिसमें उनके परिवार ने उनका पूरा सहयोग किया। इसके साथ ही उन्होंने दूसरे कई पिरामिड्स के निर्माण में भी अपनी आर्थिक सहायता दी, जिसके कारण बहुत से लोगों को पिरामिड्स मिले। नलिनी जी ने ना सिर्फ पिरामिड का निर्माण करवाया, बल्कि पत्री जी के दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करते हुए पिरामिड को हर किसी के लिए खुला भी रखा, जहां कोई भी एक नियत समय पर आकर निःशुल्क ध्यान कर सकता है। इसके अलावा नलिनी जी जगह जगह जाकर लोगों को ध्यान करवाती हैं। कभी वो स्कूल्स में जाकर ध्यान करवाती हैं, तो कभी दिल्ली NCR की तंग गलियों में घूम घूम कर लोगों को ध्यान के प्रति जागरूक करती हैं। यहाँ तक कि उन्होंने दिल्ली के तिहाड़ जेल में, महिला जेल और किशोर जेल में 3 साल तक ध्यान करवाया और इन दोनों ही जेलों की लाइब्रेरी के लिए PSSM की बहुत सी किताबें डोनेट भी की, जिस कारण कैदियों के जीवन में भरी नकारात्मकता का अंत हुआ और वो सकारात्मकता के साथ अपनी सजा पूरी कर पाए। साथ ही इन्होंने जम्मू कश्मीर में 9 दिनों तक CRPF के जवानों को ध्यान करवाया और उनके घर की महिलाओं को ध्यान से जोड़ा। नलिनी जी के इन कार्यों के लिए ब्रह्मऋषि पितामह पत्री जी ने
इन्हें तिहाड़ माता का खिताब दिया। नलिनी जी अब भी रोजाना स्वयं ध्यान करती हैं और पिरामिड में आने वाले सभी लोगों को ध्यान के प्रति जागरूक करते हुए उनको ध्यान करवाती हैं। नलिनी जी कोरोना के समय से निरंतर ध्यान के सत्र ले रही हैं। साथ ही पत्री जी ने उन्हें बुद्ध बनो वर्कशॉप के संचालन की जिम्मेदारी दी। नलिनी जी को फूल पौधों से बहुत लगाव है। उन्होंने अपने घर में किचन गार्डन और बगीचा लगा रखा है। इस तरह वो आज भी पत्री जी के मार्ग का अनुसरण करते हुए ध्यान जगत, शाकाहार जगत और अध्यात्म जगत के निर्माण में अपना योगदान दे रही हैं। साथ ही पीएमसी के माध्यम से भी प्रचार प्रसार कर रही हैं। यहाँ बनने वाले विज्ञापनों में वो अपने मंझे हुए अभिनय के जरिए लोगों को ध्यान का महत्व समझा रही हैं। नलिनी जी कहती हैं कि वो पीएमसी हिंदी और पीएसएसएम के माध्यम से सदैव ध्यान का प्रचार प्रसार करती रहेंगी और घर घर में सत्य का दर्शन मुहिम को जन जन तक ले जाएंगी।